वीतराग भगवान, वीतराग वे ज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग वे ज्ञान का घर घर हो ये प्रसार। ज्ञान तीर्थ पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की विभिन्न तत्व प्रचार की गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि वीतराग विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, और ये निश्चित रूप से सारे दुनिया से एक अनूठा शिविर है। सबसे पहले तो विषय की दृष्टि से, बाकी जगत के सारे प्रशिक्षण लौकिक दृष्टि से होते हैं, और हमारा ये प्रशिक्षण तत्व ज्ञान का, और वो भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और दूसरी बात, जो मेथड वर्षों में सिखाया जाता है वो अपन दिनों में पूर्ण करते हैं और अध्यापकों को प्रशिक्षित करते हैं। ऐसा हमारा एक अनूठा प्रयास वर्षों से चल रहा है, और अभी 54वां प्रशिक्षण शिविर देवलाली में होने जा रहा है। हम तो पुरानी परंपरा के गुरुजी हैं और आप सभी मॉडर्न टीचर हैं, और मॉडर्न अभी टीचिंग मेथड में नए नए शोध खोज होते रहते हैं, और समय समय पर गवर्नमेंट भी उनको स्कूलों में भी बराबर लागू करती रहती है। हमारे छात्र जो है, धर्म पढ़ने वाले, तत्वज्ञान सीखने वाले छात्र तो यही हैं जो लौकिक शिक्षण के लिए स्कूलों में जाते हैं और तत्वज्ञान की शिक्षा के लिए हमारी पाठशालाओं में आते हैं, तो छात्र तो वे ही हैं। अब वे छात्र स्कूलों में नई नई प्रणाली से सीखते हैं, और पाठशाला में आकर के यदि उसी पुरानी प्रणाली से सीखते हैं तो एक तो डिफरेंस भी उनको ख्याल में आता है। तो अभी तक वही परंपरा उसी तरीके से चल रही थी, लेकिन अध्यात्म प्रकाश जी ने विचार किया कि जो नई नई प्रणाली आ रही है और ज़्यादा तत्व ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए उपयोगिता की दृष्टि से ज़रूरी है, ऐसा समझ करके इस योजना के पूरी योजना जिनकी है, ऐसा आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारील साहब से उन्होंने चर्चा की और उन्होंने स्वीकृति दी कि आधुनिक दृष्टि से आप इसे संशोधित करना चाहें, लेकिन क्या कर रहे हैं वो सारी जानकारी पहले मुझे देना। तो उन्होंने आधुनिक प्रणाली से देख करके जो संशोधन परिवर्तन परिवर्धन इसमें किए वो सभी दादा से चर्चा करके, फिर चूँकि वे अकेले मौखिक रूप से कहे या अलग कहते जाए, और निर्देशिका प्रशिक्षण की अपने पास में अलग हो तो दोनों डिफरेंस करेगी, इसलिए पुनः दादा के निर्देश पर प्रशिक्षण निर्देशिका में भी जो परिवर्तन परिवर्धन संशोधन है उनको इसमें भी कर दिया है, और ये तैयार हो गई है, आपके पास में पीडीएफ में पहुंच गई है, ग्रुप में डाल दी है, आप उसे ज़रूर देख ले, और देख करके सुझाव भी यदि कुछ हो शीघ्रता से दें, क्योंकि ये प्रकाशन में जाने वाली है, शिविर से पहले पहले प्रकाशित होकर के आ जाएगी, जल्दी हुई कि आपके पास पहुंचा सके तो प्रकाशित प्रति भी आपके पास भेजेंगे, तब तक आप पीडीएफ प्रति से इसे ज़रूर
पूरा देखने का प्रयास करें। आपके पास यदि पीडीएफ में उपलब्ध हो तो सबसे पहले हमने जो परिवर्तन इसमें परिवर्तन संग्रह किया है वह इस प्रशिक्षण पद्धति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अर्धवार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में भी इसे विचारित है। जो अपने स्थान पर रह करके पत्राचार के माध्यम से इसे तैयार कर सकते हैं, इन उन्हें वह 18 दिन के शिविर में पुनः आना ही होगा। और 18 दिवसीय अपन तो 20 दिवसीय चलता है अपना वह सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, और वो 6 महीने का पूरा करेंगे, उसको डिप्लोमा पाठ्यक्रम नाम दिया है। साथ ही जो ये प्रशिक्षण की अपनी पद्धति चल रही है इसमें भी 3 प्रमाण पत्र 3 स्तर पर इसे और प्रभावशाली बनाने के लिए, पहला प्रमाण पत्र तो होगा जो 18 दिन पूरे उपस्थित होकर के वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो वहाँ वह प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होगा। उसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक अपने नगर में जाकर के पाठशाला में पढ़ाएंगे और वो पढ़ाने के अपने कम से कम 8 कक्षाएं और उन 8 कक्षाओं की रिकॉर्डिंग करके वीडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो उसको देख करके उसमें जो सफलता प्राप्त करेंगे उनके लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के रूप में, और पुनः 50 कक्षाएं जो पूरे कंटिन्यू लेते हैं, कंटिन्यू माने जैसे भी, ऐसा नहीं कि लगातार ही लेना, जैसे पाठशाला जैसी चलती हो सकता है किसी के यहाँ शनिवार रविवार को ही पाठशाला चलती हो, कभी छुट्टी के दिनों में कक्षाएं ली, जिस तरीके से वो पाठशाला लेते हैं उसके भी 50 कक्षाओं के वे वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं तो उसको देख करके वह नियमित दक्ष शिक्षक प्रमाण पत्र, तो वो एक तरह से फुलफिल पूरे अध्यापक बने, ट्रेंड बिल्कुल अध्यापक हुए, और उनका विशेष जो नियमित दक्ष अध्यापक हो जाएंगे उन्हें भी प्रशिक्षण कक्षाओं में बुलाकर शिविरों में बुला करके उनका विशेष सम्मान भी करेंगे और उन्हें फिर अध्यापक के रूप में अपने साथ जोड़ने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं करेंगे। इस तरह से ये इस ट्रेनिंग को ही विस्तृत करते हुए आगे करने का ऐसा विचार है। इसमें प्रशिक्षण संबंधी सामान्य ज्ञान में हमें आज कैसे अध्यापकों की आवश्यकता है, जागरूक मननशील और मनोवैज्ञानिक, उसमें जो जागरूकता वाला पॉइंट था, मैंने जागरूकता किस किस क्षेत्र की हमें चाहिए जागरूकता, तो उसको भी थोड़ी व्याख्यायित की है ताकि हमारे भी ध्यान में रहे कि किन किन बातों में हमें जागरूकता रखनी चाहिए। सबसे पहले कक्षा का उद्देश्य, हमारा पूरे प्रशिक्षण का और जीवन का उद्देश्य तो होता ही है और मूल तत्वज्ञान का उद्देश्य तो है ही, लेकिन जिस समय जो पाठमाला पढ़ाई जा रही है या जिस समय जो विषय हमारे सामने आ रहा है उसका मूल उद्देश्य क्या है, ताकि वही उद्देश्य सामने छात्रों तक पहुंच सके, तो उसमें भी जागरूकता की आवश्यकता है। स्तर एवं पूर्व ज्ञान, किनको पढ़ा रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल छोटे छोटे बालक हैं और हम प्रवचन की शैली में आगे बढ़े, तो वो भी एक जागरूकता की बात है। आजकल एक विशेषता हमारी देखने में आ रही है कि हमारे ये बालबोध, भले ही बालबोध कहलाते हैं लेकिन बच्चों के अलावा बड़े भी हैं जो पुनः तत्वज्ञान प्रारंभ से सीखना चाहते हैं, वे भी प्रारंभ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब उनको पढ़ाया जा रहा हो उस समय बच्चों जैसा पढ़ाया जाए वो भी उचित नहीं, तो उनको भी स्तर और पूर्व ज्ञान ध्यान में रख करके पढ़ाने की आवश्यकता है। विषय की लंबाई और उपलब्ध समय भी, कितने समय में उसे पूरा करना है। कक्षा में उपयोगी गतिविधियों के प्रकार भी, हमें इस
पाठ को किस तरीके से पढ़ाना है, प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत व्यक्तित्व आदि का ध्यान रखना ही जागरूकता है। माने वह विद्यार्थी किस स्तर का है, किस तरीके से वह समझ सकता है, इसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी थी। जागरूकता की दृष्टि से इन सबको भी ध्यान देने के लिए इसको थोड़ा विस्तृत किया गया है। अगला जो परिवर्तन, ये तो पहले से हो रहा था, आपको सबको ध्यान में भी है कि जो सत्रह सोपान हम हमेशा बोलते थे, लेकिन वे सोपान मुख्य रूप से सोपान शब्द का प्रयोग अध्ययन की दृष्टि से थे, जो अध्यापन की दृष्टि से आने वाले थे, लेकिन उस बीच में पाठ योजना प्रकरण आदि जो सामान्य पारिभाषिक थे वे भी शामिल थे। तो अपन ने पढ़ाने से संबंधित अलग किए और जो सामान्य पारिभाषिक शब्द वो अलग किए। तो अब वे पढ़ाने वाले अलग करने से वो एक लगातार पढ़ते जाएंगे तो हमेशा चित्त में बैठेंगे कि जब हम ट्रेनिंग सामने पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तो इन इन का प्रयोग बराबर करना है। ये इन दोनों को अपने अलग अलग इसमें किया हुआ है, ये तो पहले भी किया हुआ था, ये आपको बराबर सबको ध्यान में थे। अब पढ़ाने में प्रयुक्त होने वाले जो सोपान हैं, उन सोपानों में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की दृष्टि से जो उसमें परिवर्तन परिवर्धन संशोधन किए गए हैं, अब उसकी जानकारी अभी अध्यात्म जी आपको स्वयं ही देंगे, तो क्या परिवर्तन किया है, क्या संशोधन किया है, क्या परिवर्धन किया है और उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसका उसके अनुसार प्रतिफल सामने से क्या आता है, इसकी जानकारी अध्यात्म जी आपको देने जा रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस मैंने एक सामान्य बता दिया मैंने। अब जो ये जो परिवर्तन किए हुए हैं उद्देश्य सहित उसकी जानकारी है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आत्मसंतुष्टि। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे, और ख़ास तौर से जो हमारी विद्या है वो तो है ही इसी के लिए कि हमें मुक्ति मिलनी चाहिए उससे। अभी पिछले बहुत समय से देखने में ये आता है कि हम बहुत सारे एफर्ट करते हैं और बहुत तत्व प्रचार करने की कोशिश करते हैं, सब लोगों तक पहुंचते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की ओर हमारा ध्यान नहीं है। जैसे कि हमने जो किया है उसका परिणाम क्या होगा, सामने वाले को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, परिणाम नहीं देखेंगे उसका, तो फिर हमारे एफर्ट का कोई फ़ायदा नहीं उसका। और फ़ायदा हो रहा है तो कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक किसी चीज़ का परिणाम नहीं है तो उस एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, वो बेकार है। जिससे बोलते हैं नपुंसक पुरुषार्थ है जी, काम में नहीं आए तो नपुंसक पुरुषार्थ हो गया। तो अब सवाल ये है कि उन सब चीज़ों को हमें ओवर पावर करना है, हमें उन सब एरियाज़ को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसी प्रयास का नतीजा है कि हमने इसमें थोड़े से चेंज करने की कोशिश करी। पिछले 8-9 साल से ये काम चल रहा है और अब समझो एक स्टेज पर आए, पहली स्टेज पर हम पहुँचे हैं कि हम आप लोगों के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत कर सकें और ये कोशिश करें कि जन सामान्य तक, पूरी जनता तक पहुँचे। ये जो काम है ये टीम वर्क है, एक व्यक्ति का काम नहीं है, ना संभव है एक व्यक्ति से कुछ भी, ये टीम वर्क है। हमारे इस मिशन में बहुत सारे लोगों को जुड़ना, अंदर से जुड़ना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके उसे आगे पहुंचाना है, तो फिर हम इसका परिणाम, जो असली परिणाम है, वो ले सकेंगे। अदरवाइज ये मेहनत बेकार, इसका उपयोग नहीं है। तो एक बात तो सबसे ज़्यादा समझने की है कि हमारे दादा के जीवन से और गुरुदेव के जीवन से दिखाई देती है कि एफर्ट हमें जो भी करने हैं सारे, वो मूल तत्व ज्ञान पर करने हैं, दूसरी चीज़ों पे नहीं करना।
क्योंकि यदि ये मूल तत्व ज्ञान आप में आ गया तो दूसरी चीज़ें तो जीवन में अपने आप आ जाएंगी, फिर उन्हें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो हम कॉन्सेंट्रेट होकर के हमारी जो भी योजनाएं बने वो सारी की सारी योजनाओं का एंगल उस तत्व ज्ञान को खुद धारण करने से है, और या फिर हम अपने दूसरे लोगों तक, अपने साथियों तक उसे पहुंचा सकें, इसके लिए है। यदि बस तीसरा कोई काम हमें करना नहीं है, तीसरा किसी काम का हमारा उद्देश्य नहीं है जीवन में, तो ये काम हम अपने जीवन में खुद करेंगे। ये जो नया सिस्टम हमने लॉन्च करने जा रहे हैं, ये आपको इस बात में सक्षम बनाएगा कि आप अपने आप ज्ञान कैसे निकाल सकें, उससे निष्कर्ष कैसे निकालें, कैसे आप उसको मतलब उस तक पहुँचें, उसके गहराई तक। वो ये सिस्टम आपको वो सिखाएगा। हमारा यहाँ पर विषय वस्तु को बहुत ज़्यादा आप तक पहुँचाना नहीं है उद्देश्य, इसलिए हम सारे पाठ पढ़ा ही दें ये आग्रह हम नहीं करेंगे। इस प्रशिक्षण में हम ये आग्रह करेंगे कि किस तरह से पढ़ना है वो सिखाएंगे आपको, या किस तरह से हमें अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है वो हम आपको सिखा रहे हैं। फिर आप उसे किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर लो, कोई भी चीज़ आपको पढ़ानी हो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो उसको। तो वो सिस्टम आपके अंदर में एक घर कर जाए, ये इसका उद्देश्य है। देखिए हमारे यहाँ पर अभी जो ये परिवर्तन का उद्देश्य क्या है कि तत्व ज्ञान आत्मसात हुआ कि नहीं ये जानना है, आपको समझ में आया कि नहीं। ये जो हमने जो बनाया है इसका उद्देश्य है कि आपको जो तत्व ज्ञान हम दे रहे हैं वो आज तक आप तक पहुँच रहा है कि नहीं, ये साथ में हमें पता लगे। दूसरा उद्देश्य है कि तत्व ज्ञान को जीवनोपयोगी बनाया जाए, कि अभी क्या होता है कि हम जो भी तत्व ज्ञान पा रहे हैं वो सारा का सारा दो पार्ट में बटा हुआ है। तत्व ज्ञान ही हमारा जीवन, हम मुमुक्षु हैं हम लोगों का, बाकी जो नॉन मुमुक्षु हैं उनका तो कुछ है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। हमारा दो पार्ट में बंधा हुआ है, एक तो है हमारे धर्म और धार्मिक मान्यताएं और उसमें हमारी एक्टिविटी, एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है दुनियादारी। जब हम व्यापार करते हैं तो उसमें हमारे धर्म का कोई रोल नहीं है, जब हम धर्म के फील्ड में होते हैं तो उसमें उन चीज़ों को भूल जाते हैं। और दोनों को एकदम दो पैरेलल, जैसे दो पटरियां चलती हैं ना रेल की, वैसे चलती हैं पूरी ज़िंदगी भर, बिल्कुल बराबर चलती हैं। हम पूरा समय देते हैं धर्म में लेकिन एकदम पैरेलल चल रही हैं, जब हम दुनियादारी में जाते हैं तो इसे भूल जाते हैं पूरा। आपको कौन सा काम करना है, क्या धंधा पानी करना है, उसमें आप ही नहीं सोचते कि मेरे जैन धर्म को कैसे अप्लाई करूँ मैं, हम ये नहीं सोचते। लोग शादी किससे करनी है, शादी करने के बाद क्या करना है, हम उसमें नहीं सोचते कि हमारे धर्म को कैसे अप्लाई करूँ। हमारी बीमारी हो गई उसमें हम अप्लाई नहीं करते कि हम कैसे अप्लाई करें उसको, नहीं करते, जोड़ते नहीं हैं। यहाँ पे जब तक ये जीवन से नहीं जुड़ेगा धर्म तब तक उसकी उपयोगिता नहीं रहेगी, क्योंकि आज के जो नवयुवक हैं, जन सामान्य हैं, जो हमारी ऑडियंस है वो उसके सामने बहुत सारे चैलेंज हैं। तो इन चैलेंजेज के बीच पीछे, इन चैलेंजेज के बीच में वो ऐसी चीज़ जो जिसकी कोई उपयोगिता जीवन में नहीं हो उस पर बहुत समय दे सके, बहुत मेहनत कर सके, वो बहुत मुश्किल काम है। जब वो उसके वर्तमान जीवन में वर्तमान फायदे के लिए काम करेगा तो ही उसको वो कर पाएगा इस काम को, अदरवाइज नहीं कर पाएगा कोई भी व्यक्ति। तो यदि हम सफलता के साथ में जीवन के साथ इसको जोड़ दिया आपने, तो फिर हमारा ये प्रशिक्षण, हमारा धर्म प्रचार का उद्देश्य कार्य सारा काम आएगा और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तीसरा हमारा उद्देश्य है कि जो भी हमारे मूल सिद्धांतों की चर्चा हम करते हैं, चाहे क्रमबद्ध पर्याय है, चाहे निमित्त उपादान है, उसकी मूल आत्मा तक, उसकी गहराई तक हम पहुंच सकें। मैंने सैकड़ों लोगों से बात की है, निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, वस्तु स्वतंत्र,
इन विषयों पर, और मतलब ये जानने की कोशिश की हमने, मैं बंबई में वो चलाता हूँ ना जैन अध्यात्म स्टडी प्रोग्राम एट योर डोर स्टेप, तो वहाँ जब घर घर जाकर के विद्वान अपने पढ़ाते हैं, तो दो तीन लोगों के यहाँ अपन ने विद्वान भेजे जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, काफ़ी बड़े लोग हैं मतलब, और सब जगह से एक ही कंप्लेंट आई कि आपके विद्वान थोड़े दिन उन्होंने चालू रखी फिर बंद कर दी क्लास। तो क्यों बंद कर दी साहब? कि बोले आपके भी जो विद्वान आते हैं वो किताबी ज्ञान देते हैं हमको, वो किताबी बात बताते हैं कि भाई ये सही है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका प्रैक्टिकल कोई अप्रोच कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अभी उनको हम बेयर नहीं कर सकते, उनके साथ समय लगाना, क्योंकि उनका समय वैल्यूबल है, तो उनमें यदि उनको कुछ मिले तो हम उसे करेंगे। फिर मैंने एक दो विद्वान चेंज किए, विद्वान को भी बहुत समझाया कि तुमको इनसे किस तरह से बात करनी है, क्या क्या करना है। और उसमें से एक जगह पर अभी 5 साल से अपने एक विद्वान जा रहे हैं, कौन गए थे, किसको रिजेक्ट किया, कौन को सेलेक्ट किया, दोनों ही नहीं बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है। लेकिन जो भी आज का युवा है, आज का व्यक्ति है, उसे रिजल्ट चाहिए। अकेले इस कल्पना से कि आपको भविष्य में मोक्ष हो जाएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अकेले उससे वो हमारे साथ जुड़ा नहीं रह सकेगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो केवल धार्मिक भावना से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे भी आप पूछो, उनसे भी उन सिद्धांतों की चर्चा करो, उसकी गहराई को जानने की कोशिश, कहीं ना कहीं पर वो स्लिप हो जाते हैं। और उसी का ये परिणाम भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा व्यक्तिवादी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी एक जगह ढुल जाते हैं, या वो धर्म में आके भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं। उसी का परिणाम होता है, क्योंकि फिर अंत में जाके जब हम मूल तत्व ज्ञान हमें नहीं मिला, उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो फिर हमारे पास में तो वो दुनियादारी है, तो दुनियादारी जैसी वहाँ होती है वैसी यहाँ होने लगती है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्षेत्र बदल जाता है, मैं व्यापार छोड़ के यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दूँगा, फ़र्क क्या पड़ा। तो उसके लिए वो मूल जो हैं चीज़ें, उनकी चर्चा अभी मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो गहरे विषय भी हो जाएंगे, विवाद का भी विषय हो सकती हैं चीज़ें, और तो इसलिए अभी उसका फ़ायदा नहीं, लेकिन उन चीज़ों को मैं छूना चाहता हूँ कि उस तक पहुँचने, वो निकालने की कैपेसिटी आप में डेवलप हो और हमारे शिष्यों में डेवलप हो, उन चीज़ों को उस गहराई से विचार करने की सामर्थ्य आप में पैदा हो, तो ये हमारा परिवर्तन के उद्देश्य हैं। और परिवर्तन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पैमाने क्या बनाए हैं हमने, कि एक तो हमारे अंदर में समालोचनात्मक विचार मतलब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। अकेला हम ये विचार नहीं करें कि ये बात है हमने कह दिया सच है बस, या हमने शास्त्र में पढ़ के बताई है वही बात मैं बता रहा हूँ वो सच है, हमारा दिमाग खुला हो, हम उसके प्लस और माइनस, अच्छे और बुरे, सही और गलत के बारे में विचार कर सकें, उसके बारे में सोच सकें, और उसके बाद में हमारा निर्णय हुआ कि सही है उसकी कीमत है, और हमारे मोक्ष मार्ग का सब लिखा है इसलिए सही है, उसकी कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? कीमत तो उसकी भी है, लेकिन वो जैन दर्शन के लिए है, हमारे व्यक्तिगत आत्म कल्याण के लिए उसकी कीमत नहीं है। मोक्ष मार्ग विकासक में लिखा है इसलिए मैं मानता हूं, तो मोक्ष मार्ग विकासक को सब में दर्शन हो जाएगा, और मेरे को तो नहीं होगा ना, वो तो मेरे को मेरी बात बनेगी तो होगा। इसलिए हमारे अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग का, समालोचनात्मक थिंकिंग का विकास होना चाहिए, और वो आप में हो रहा है कि नहीं हम इससे नाप सकेंगे, जो हमारा सिस्टम बनाया है हमने उससे ये पता लगेगा कि आप में उसका विकास हुआ है कि नहीं। तो ये क्या है, अर्न ऑन यूज है। एक मैंने सिद्धांत बनाया था 20-25 साल पहले कि
हम आज कमाएं और 60 साल की उम्र में जाके उसे एंजॉय करें, उसका कोई फायदा नहीं है। पता नहीं 60 साल किसने देखे, 60 साल बाद रहा कि नहीं रहा मैं। इसलिए आज कमाओ और आज ही उपयोग करो। तो हम आज आपको पढ़ाएं और आज ही हमें पता लगना चाहिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो यदि आज आपको समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, कल दूसरे लेसन पर जाएंगे। यदि आज की बात समझ में नहीं आई तो दूसरे पर जाके क्या करना, कोई मतलब ही नहीं उसका। बालबोध पाठमाला समझ में नहीं आई और समय सार पढ़ाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो हम आज क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो, एक है। दूसरा है कि हमारे अंदर में शोध की प्रवृत्ति का विकास हो। हम खुद हर व्यक्ति में ढूंढने की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए और उसके हमने इसमें शामिल किए हैं सारे जो चीज़ें इसमें डाली हैं ना, वो हर स्टेप जो भी इसमें ऐड किया है उसका कोई ना कोई इन चार पांच उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है, उसे पूरा करने के लिए है। इसलिए किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, आप ड्रॉप नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। यदि करोगे तो वो चीज़ आप में पैदा नहीं होगी जो हमें देनी है सामने। फिर जीवन में हम उपयोग लें उस चीज़ का, हर हमारे जीवन से जोड़ पाए उसे, हर पाठ को, हर सिद्धांत को, हर चर्चा को, वो हमें इसमें शामिल किया है हमने इसमें, ठीक है। फिर चौथा किया कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। एक इनबॉक्स थिंकिंग होती है, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है। मतलब कि हमने एक पैमाने बना दिए, हमने एक डोरी फ्रेम कर दी, उस फ्रेम में हर चीज़ को देखते हैं। हमारा शिविर लगा कितना कैसा रहा, बहुत सफल रहा, क्यों? क्योंकि 2000 आदमी आए थे। ये कोई सफलता का पैमाना हो सकता है कि 2000 आदमी आए थे? हमने शिविर लगाया, बहुत सफल रहा, क्यों? क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमने शिविर लगाया, बहुत सफल रहा, क्यों? क्योंकि पूरे समय बहुत शांति रही, गर्मी नहीं थी। शांति भी रही और गर्मी भी नहीं थी। ये कोई पैमाना नहीं सफलता का। हमने एक शिविर लगाया, उसमें 25 आदमी आए, उसमें से 12 आदमी बहुत अच्छी तरह समझ करके गए। वो 2000 आदमी आए और 10000 आदमी आए, उससे ज़्यादा सफल शिविर वो है जिसमें 12 आदमी समझ करके गए, क्योंकि 12 आदमी को समझ में तो आया है ना कम से कम। 12 आदमी जीसस क्राइस्ट के जब फांसी लगी तब उनके 12 भक्त थे, 12 वो थे चीफ मेन गणधर थे समझ लो। उसमें से एक गणधर उनका टूट गया और उसने चुगली खाई, बता दिया कि कहाँ पे छिपे हुए हैं जीसस, और उसको उनको पकड़ लिया गया, उनको फांसी लग गई। तो वो 11 बचे, लेकिन उन 11 ने जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया आगे, उसका ये परिणाम है कि आज पूरे दुनिया भर में 350 करोड़ क्रिश्चियंस हैं। 50% आबादी क्रिश्चियन है। और आपको पता है जीसस क्राइस्ट भगवान महावीर से 500 वर्ष बाद पैदा हुए थे। तो वो एक आदमी को यदि समझ में आता है सच्चाई सत्य धर्म, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हजारों लाखों आदमी आपके समारोहों में आ जाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम में हमारे अंदर में सोच की बेहतर बढ़े, जीवन में हम उपयोग ले सकें, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर सकें। मतलब हमने जो पैमाना बनाया है, हमने जो फ्रेम बनाई है, उसके बाहर निकल के सोचने की सामर्थ्य हम में पैदा हो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग पैदा होगी आप में। आप खुद सोच सकेंगे, आप खुद निष्कर्ष निकाल सकेंगे, आप खुद आगे बढ़ेंगे धर्म के फील्ड में। एक लिमिटेड समय के बाद में दूसरे लोगों का रोल नहीं होता है, आपका खुद का रोल होता है अपने जीवन में। बाहर वाला व्यक्ति आपको साल, 2 साल, 5 साल शिक्षा दे सकता है, वो आपको पूरी मोक्ष तक नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए आपको खुद को काम करना होगा। एक एंटरप्रेन्योरशिप का विकास होता है इससे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? साहसिकता, आप निर्णय लेना, निर्णय लेके उस पर अटल रहना, उस पर आगे बढ़ना। तो ये सारे का सारा है, जब आप में क्लैरिटी आ जाएगी तत्व ज्ञान की, तो आप ये सारे काम उसमें कर पाएंगे। और एक्टिव लर्निंग हमारी हो, मतलब हम स्टूडेंट को पढ़ाएं, 1 घंटा हमने लेक्चर दिया,
स्टूडेंट यहाँ से निकला और स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि यहाँ से, जब तक आपने उसे किरणबद्ध पर्याय का सिद्धांत बताया, उस दरमियान में वो जापान, अमेरिका और भारत के सारे प्रांतों में घूम करके आ गया और बाद में ख़त्म होकर जय सियाराम करके चल दिया। तो ऐसा नहीं, एक्टिव लर्निंग, वो मतलब स्टूडेंट हमेशा पूरे समय एक्टिव रहना चाहिए आपकी क्लास में। उसको ऐसा कोई एक समय नहीं मिलना चाहिए कि उसे नींद आए या उसे ऐसा लगे कि मैं नहीं सुनूंगा तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा हुआ तो वो कुछ भी कर सकता है, वहाँ बैठे बैठे भी कहीं भी जा सकता है कोई भी व्यक्ति। तो ये उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला सिस्टम हमने डेवलप किया है, ठीक है। अब पहली बात हुई परिवर्तन का उद्देश्य, दूसरी बात है परिवर्तन के उद्देश्य के साधन, ठीक है ना, कि किस किस क्या क्या चीज़ हम में वो करेंगे, ठीक है। फिर अब तीसरा है कि उसके अब क्या साधन है उसका अपन को करने का, कि एजुकेशन है हमारा, मोड क्या है इसका हर व्यक्ति तक पहुंचने का, एजुकेशन शिक्षा है, ठीक है। और परिवर्तन के साधनों के टूल्स क्या होने चाहिए हैं हमारे उसमें। तो हमने क्या किया इसमें कि एक्टिव लर्निंग और टीचिंग के लिए मोटे मोटे बता रहा हूँ अभी, बाकी शांति आपने बता दिया ना पूरा डिटेल जो ऐड किया है अपने, वो थोड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी शांति जी बताएंगे फिर आपको कि और क्या क्या हमने ऐड किया है। लेकिन अब इसमें क्या है कि एक सिस्टम होता है कि जहाँ पर टीचर खड़ा होता है और स्टूडेंट बैठे होते हैं और उनको लगातार टीचर बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपना ट्रेडिशनल क्लासरूम है। अभी यदि आज मेरे पास टाइम होता तो मैं इस तरह से नहीं बोल बात करता आपके साथ, मैं क्या करता कि आपसे ही प्रश्न करता बहुत सारे और आपसे आपके मुंह से निकलवाता कि हमें ये क्यों ज़रूरत है। लेकिन उतना समय नहीं है, एक दो घंटे चाहिए उसके, दो तीन घंटे चाहिए। तो इसलिए तो अब क्या है कि उसका साधन क्या है कि अब जो हमने जो नई क्लास का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने आज उसे बता दिया कि कल द्रव्यगुण पर्याय का पाठ आपको पढ़ाएंगे या नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ाएंगे। अब वो विद्यार्थी को अपने घर पर पढ़ाई करके आनी है और नमोकार मंत्र के बारे में उसे सारी जानकारी इकट्ठी करके आनी, जहाँ से भी कर सके, वो गूगल से करे, सूगल से करे, टूगल से करे, जैनन सिद्धांत कोष से करे, नमोकार महामंत्र की किताब से करे, कहीं से भी करे मतलब, लेकिन वो करे। अब वो डिपेंड करेगा उसके स्तर पर कि यदि 2, 5, 7, 8 साल का बच्चा है तो वो किताब ही पढ़ के आएगा, लेकिन यदि 14, 15, 20 साल के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो जाके और बाहर के एक्स्ट्रा क्लास के बाहर के भी पाठ के बाहर की भी चीज़ों में जाके करें, हम उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। और वो पूरा पाठ पढ़ करके अपने पॉइंट दिया करके और ये निकाल करके कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रखा है उसने और क्यों रखा है, क्रम से प्रायोरिटी वाइज ऐसे पॉइंट बना करके लेके आएगा। 20 विद्यार्थियों की क्लास है, एक विद्यार्थी को खड़ा करके पूछोगे आप फर्स्ट से टॉप प्रायोरिटी वाला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा इसमें क्या है, वो बोलेगा। दूसरे विद्यार्थी क्योंकि हर से सारे पॉइंट नहीं पूछ सकते आप, तो बोले दूसरे नंबर का आप बताओ, तीसरे नंबर का आप बताओ। फिर मान लो तीसरे नंबर वाला बोलता है कि नहीं मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वाले पॉइंट को रखता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, तो तुम क्यों रखते हो उसको। इसका मतलब ये कि हम सारे विद्यार्थियों को इन्वॉल्व करते हुए सबसे थोड़ा थोड़ा पूछेंगे, सबको एक बार खड़ा करेंगे और उनसे वो क्लास पाठ के जस्ट जानने की कोशिश करेंगे। जब वो उनके सब बता दिया और सब बदल लग गया, फिर उसमें से कोई पॉइंट छूट गया एक, तो फिर हम उनसे उस पॉइंट को लेकर के प्रश्न पूछेंगे कि आपने ये बातें करी, ये बात भी सही है, 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 इसके बारे में क्या सोचते हो, आपने ये भी तो पढ़ा था ना पाठ में, इसको क्यों छोड़ दिया। फिर हम उनसे पूछेंगे, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब ये स्टेप काहे के हैं पता है, विचार विश्लेषण वाले, उसे अपन ने व्याख्या नाम दिया है। तो सबसे पहले हम मूल्यांकन करेंगे और सबसे पूछेंगे प्रश्न कि आपने क्या क्या निष्कर्ष निकाला पाठ से। और इसमें भी हमेशा एक सिस्टम नहीं है, आप एक विद्यार्थी से भी सारे पॉइंट पूछ सकते हो और दूसरे को रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हो, जो आपके पास क्लास में
कितना समय है उस पर डिपेंड करेगा सब। आपके पास 8 दिन का, 8 दिन में भाग पूरा करना है आपको, और ये क्या 1 साल में भाग पूरा करना है, तो उसका पैटर्न अलग अलग होगा। तो वो सारी की सारी फ्लेक्सिबिलिटी हम आपको इस सिस्टम में प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप अपना डिसीजन करो। तो अब आपने जो पाठ हमने बताया, अब उसने पहले हमने उनसे पूछ लिया, फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में उनकी राय जानी जो बचे रहे, और उसके बाद में आप शुरू से लेकर अंत तक का पूरा पूरा व्याख्या करोगे अपनी, और सब पॉइंट कवर करोगे, सारी बात बताओगे। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे जो पढ़ के आएंगे गंभीरता से, कुछ ऐसे लोग होंगे जो पढ़ के नहीं आ पाएंगे, केवल देख लेंगे एक बार, कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्लास में ही आके पढ़ेंगे, सब तरह के स्टूडेंट होंगे। तो धीरे धीरे उन सब में हमको उस तरह का विकास करना है। तो ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम बोलते हैं से, तो इसमें हमने सब क्लास वालों को, सारे स्टूडेंट को किया। अब ऐसी स्थिति में कि कभी भी किसी को खड़ा किया जा सकता है, उसको एक एक पॉइंट बताना है, कौन कौन से पॉइंट बता दिए उनको रिपीट नहीं करना है। अब वो बच्चा सो ही नहीं सकता, वहाँ पे इधर उधर घूम ही नहीं सकता, उसे सब सुनना ही पड़ेगा, और नहीं तो अपने आप पता लग जाएगा टीचर को, तो फिर बेइज्जती होगी। तो वो इसमें एकदम एक्टिव है। तो ये एक्टिविटी का एक टूल का एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा है कि लॉजिक और रीजनिंग शक्ति का विकास होना चाहिए, इससे होगा। वो क्या होगी कि जैसे हम अलग अलग तरह के गेम्स इसमें ऐड करेंगे, ये अपने क्विज वगैरह ऐड करेंगे, फिर स्टोरीज ऐड करेंगे, एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे, और उन एग्जाम्पल्स स्टोरीज और गेम्स के माध्यम से उनसे जानने की कोशिश करेंगे, और वो सारे प्रश्न लॉजिकल होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो आपको बताने होंगे, लॉजिक देना होगा उनका, उनकी रीजनिंग देनी होगी, तो उससे उनमें ये कैपेसिटी अपने आप डेवलप होगी, क्योंकि सोचने की कैपेसिटी, उसमें काम करने की कैपेसिटी डेवलप होगी। तो ये इस तरह के स्टोरीज, गेम्स, टूल्स वगैरह के, उससे हम इसको लेंगे। मूल्यांकन टेक्निक्स हमें, मूल्यांकन जो है इवोल्यूशन की टेक्निक्स हम इसमें डाल रहे हैं, तो जो हमारा जो एग्ज़ाम है, और जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और दूसरे प्रश्नोत्तर हैं, उसमें लॉजिकल प्रश्न बहुत ज़्यादा डाले जाएंगे, जिसमें यदि आपको उसका भाव समझ में नहीं आया तो आप उसका जवाब भी नहीं दे सकेंगे। जैसे अपने जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया जिन कुमार जी अपन ने, तो एग्ज़ाम के पैटर्न में अपन ने जो प्रश्न डाले हैं वो उनमें फ़र्क देखते हैं ना अपन, कि जब तक उसे समझ में नहीं आए तब तक है ही नहीं। स्टोरी बता दी आपको, ये बता दिया कि साहब ये दो, एक जना कोई गाड़ी में जा रहा था, तेजी से गाड़ी, सुबह का समय था, 100 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चल रही थी, अचानक दो कुत्ते आए और दोनों गाड़ी के नीचे आ गए, गाड़ी रोकी उसने जल्दी से, उसके पास गया, देखा तो मरणासन्न हो गया, एकदम एक्सीडेंट हो गया, क्या किया जाए उनका। तो उसने मुकारमन सुना था, एक काला कुत्ता था, एक सफ़ेद कुत्ता था। अब जब वो मरणासन्न अवस्था में आ गया और नमोकारमन सुना आया, तो जो सफ़ेद कुत्ता था वो शांत परिणामों के साथ मुक्त हो गया, और जो काला कुत्ता था बोलता था, देख के नहीं चलाते, अपने आप को समझते क्या हैं, क्योंकि बाप का रोड है और मेरे को कुचल दिया, तुम्हारा क्या हुआ, एक मिनट का गया, तुम नमोकारमन आके सुना रहे हो, मेरी तो ज़िंदगी चलेगी, जब मौका लगा तो ज़रूर बदला लूँगा इसका। अब दोनों परिणाम, इन परिणामों के साथ दोनों मरे, तो अब किसकी गति कैसी हुई होगी या किसका क्या हुआ होगा, अब आप बताएं। तो इस तरह से हम उसमें जो आपको, मतलब अब ये प्रश्न हम पूछेंगे ऐसे, तो जब आपको उसका ज्ञान होगा ना पूरा, तो ही आप जवाब दे पाओ। फिर हम पूछेंगे ये कौन कहाँ जाएगा, मान लो आपने कहा कि साहब वो त्रेंस होएगा या ये स्वर्ग जाएगा, तो क्यों जाएगा, क्योंकि वो शांत परिणामों के साथ मरण हुआ उसका, क्योंकि इसका द्वेष राग द्वेष कसाय के साथ मरण हुआ, तीव्र कसाय के साथ, तो तीव्र कसाय के साथ एक शांत परिणाम उससे हुआ, तो इसकी क्या गति होगी। तो आप उसका लॉजिक देते हैं ना, तो ये मूल्यांकन साथ के साथ होता चल रहा है आपके, कि जो आप पढ़ा रहे हो उसका उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड टूल्स हमने डेवलप किए हैं इसमें, हर पाठ के साथ में डाला है कि किसी न किसी तरह से जीवन से जुड़ा जाए, जहाँ पे जैसा संभव हो वैसा करना। तो वो जो पाठ निर्देश बनाए हैं और पाठ योजनाएं बनाई हैं, उनमें भी उस हिसाब से चेंज किया है, सब में पारिभाषिक पाठ निर्देश,
भाववासन परक निर्देश और जीवनी उपयोगी तीन अलग अलग पार्ट बनाए और सैंपल दिए हैं इसमें आप लोगों को, हम लोगों को, हमारे जो विद्यार्थियों को बताना है कि अकेले यही नहीं है सब कुछ, इसके अलावा पूरी दुनिया खुली हुई है आपके लिए। अकेले ये एग्जाम्पल नहीं है, अकेले ये कहानियाँ नहीं है, अकेले ये गेम्स नहीं है। आप अपने लेवल पर बनाओ और उनको, अपने विद्यार्थियों को सिखाओ। ये पूरी दुनिया खुली हुई, पूरा आकाश खुला हुआ है। आपको किसी सिस्टम को केवल फॉलो नहीं करना है, आप सिस्टम निर्माता हो। आपको उस पाठ को पढ़ाने के लिए, पाठ कैसे पढ़ाया जाए उसके निर्माता आप हो, आप क्रिएटर हो, आप फॉलोअर नहीं हो। तो ये चीज़ इसमें आपको मिलेगी सब जगह। हर पाठ में हमने एक पाठ निर्देश में एग्जाम्पल दिए हैं, जीवनोपयोगिता के भी, भाववासन परक के भी, और वो सिर्फ चीज़ें आपको उसमें जोड़नी है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के परिवर्तन हमने किए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये हम देवलाली शिविर में लॉन्च तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हमारी टीम के मेंबर हैं, जो लोग हमारे हाथ पांव हैं, उनको पता नहीं है कि हमें कैसे पढ़ाना, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई। अपने 2 साल पहले की थी, उसमें सब लोग आ नहीं पाए, फिर दुर्भाग्य से कोरोना हो गया, या सौभाग्य से हो गया कोरोना, कि 2 साल में पुराना सिस्टम सब लोग भूल जाएंगे तो ये जल्दी से मान जाएंगे हमारी बात। तो जो भी हो, लेकिन हमारा हो नहीं पाई। तो अब आप लोगों को ये करना है कि प्रशिक्षण निर्देशिका आपको जो नई वाली है वो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आज शांति जी ने सबको भेज दी है, PDF भेज दी है, और जल्दी से जल्दी आपके एड्रेस पर हम इसकी हार्ड कॉपी भी भेज देंगे। तो कई लोगों के पास प्रिंटिंग की सुविधा नहीं होगी अपने यहाँ पे, PDF में पढ़ने में सुविधा नहीं होगी, इतनी आसान नहीं होगा। जो ज़्यादा यंग नहीं है, जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, तो उनको तो कम से कम भिजवा ही देंगे पूरी। तो आप इसका गहराई से अध्ययन करें और इसके सिस्टम को आत्मसात करने की कोशिश करें, और उस सिस्टम के हिसाब से पढ़ाने की प्रैक्टिस अपने घर पे ही करें। 15-20 दिन के बाद, 1 महीना शिविर को है अभी अपना, तो 15-20 दिन के बाद में हम हो सकेगा। पहले तो हमारा प्लान ये था कि अपने स्मारक में 3 दिन का रख लें और आसपास के लोगों को बुला लें, लेकिन अभी मुझे शंका है कि वो हम कर पाएंगे। तो हम एक काम करेंगे कि यदि फिजिकल नहीं हो पाया तो ऑनलाइन कर लेंगे। हमारे सिस्टम ऑनलाइन में संभव नहीं है आराम से। अभी ऑनलाइन करने के लिए उसमें और नए कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, उसमें बहुत टाइम लग सकता है कि कैसे उसे ऑनलाइन हम प्रैक्टिकली कर पाएं, क्योंकि हमें तो पूछना है ना सब लोगों से, पूछने वाला इंटरेक्शन बेस है ना, उसमें आधे समय तो स्टूडेंट को बोलना है, तो मुश्किल है। फिर भी कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि मैं पढ़ाऊँगा, और जो स्टूडेंट का काम करना है वो भी मैं ही कर दूंगा कि भैया जिन्हें तुम बताओ, और फिर तुम्हारा जवाब मैं ही दूंगा, फिर मैं ही ये बोलूँगा कि नहीं तुमने सही जवाब दिया है कि गलत दिया है। इस तरह से किसी तरह से मतलब सारे स्टेप्स कवर हो जाएं, सारे स्टेप्स आप ले पा रहे हो कि नहीं, आपके दिमाग में सारे स्टेप बैठ गए कि नहीं, वो हमें ख्याल आ जाएगा, ठीक है ना। तो और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हैं हाँ, तो फिर ऑनलाइन अपन कर लेंगे, तो अपन आपस में करेंगे टीचर टीचरों के बीच में। इसलिए उसमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमाम में सभी दंगे हैं, सभी टीचर ही हैं, कोई गलत बोला, सही बोला, कम बोला, ज़्यादा बोला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने एक पॉइंट गलत बोला, किसी ने दूसरा पॉइंट गलत बोला, धीरे धीरे करके सब परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये काम हम उसके पहले एक बार करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप अपने घर पर तैयार करिए पाठों को, और इसको एक बार देख लीजिए, इसके पाठ निर्देशों को देखिए, आप इसके इवेल्यूशन सिस्टम को, वो क्वेश्चन पेपर वगैरह दिए हैं पीछे, उनको देखिए, और इसके शुरुआत में भी काफ़ी जो चेंज किए हैं उनको देखिए। एक चेंज जो शांति जी ने बताया हुआ कि हमने सर्टिफिकेट को 3 पार्ट में बांट दिया, एक तो है कि वो 17-18 दिन दे करके सर्टिफिकेट लेता है वो है,
दूसरा है कि जो अपने घर जा कर के अपने गांव में अपनी आठ क्लास ले और उसकी रिकॉर्डिंग हमको भेजे। उसकी रिकॉर्डिंग का हमने वो ईमेल आईडी डेवलप की है, उस पर भेजेंगे वो लोग, तो रिकॉर्डिंग हमको भेजें और साथ में एक कोई पाठ लेकर के वो उस पाठ को कैसे पढ़ाएगा, उसमें कौन कौन से प्रश्न डेवलप करेगा, कौन से गेम्स खिलाएगा, क्या करेगा, जैसे भी करना हो 1000 से 1500 शब्दों का एक वो उस पर लिखे पूरा कि इस पाठ को मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, इतनी इनविजिबल सब चीज़ें लॉजिक उसके उसका मटेरियल, कौन से एग्जांपल्स होंगे, कौन से क्वेश्चंस होंगे, किस तरह से प्रेजेंटेशन होगा, क्या होगा, इंडोर होगा, आउटडोर होगा, सब कुछ वो कर सकता है। तो वो हमको भेजे, उसका इवेल्यूशन करके उसको सर्टिफिकेट देंगे। और तीसरा है 50 क्लासेज जो लेता है, मतलब रेगुलर पढ़ाता है, जो वो साल भर में करे, 1.5 साल में करे, 2 साल में करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, 10वीं, 20वीं, 1वीं, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 40वीं और 50वीं कक्षा की रिकॉर्डिंग हमें भेजनी पड़ेगी और साथ में ये लेख भेजना पड़ेगा। तो हम उसे तीसरा सर्टिफिकेट देंगे, उसका नाम मैं अभी दिमाग में, रेगुलर टीचर का ऐसा नाम है, तो वो बता देंगे शांति जी अभी आपको। तो इस तरह से हम 3 सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि एक्चुअल काम प्रैक्टिस का है। अब जो 18 दिन में ट्रेनिंग लेके चला गया, तो ये वैसे ही वकील है जो 2 साल में वकालत पढ़ लेते हैं लेकिन ज़िंदगी भर प्रैक्टिस नहीं करते। आजकल ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करने के लिए उसे इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होती है। तो जो हमारे 18 दिन की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसकी इंटर्नशिप है ये, कि आप जाके 8 क्लास पढ़ाओ। हम लोगों को ये बोलेंगे कि यदि तुम्हें कोई विद्यार्थी नहीं मिलता है तो अपने घर में अपने माता पिता को बिठा के ही पढ़ा लेना। माता पिता हो तो बच्चों को भी बिठा के पढ़ा लो, आप 2 जनों को बैठ के पढ़ाओ, लेकिन वो पढ़ाओ, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमको भेजो, पढ़ाना और रिकॉर्डिंग हमें भेजो, वो हम देखेंगे कि रियल टाइम। और रिकॉर्डिंग भी 5 दिन के अंदर भेजना है आपको उस पर, ताकि मतलब हमको पता लग जाए कि ये इतनी इतनी क्लासेज हुई हैं एक्चुअल। फिर हम उनके नंबर आएंगे हमारे पास, उनके स्टूडेंट के नंबर आएंगे, हम उनसे कन्फर्म भी कर सकते हैं फ़ोन करके कि भैया ये क्लास ली थी तुम्हें, क्या पढ़ाया था, क्या विषय पढ़ाया था। क्योंकि अब उसे तो पता नहीं क्या पूछा जाएगा, उससे हम कोई बात ही कैसी पूछेंगे कि जो उसने पढ़ाया हो उसमें से पता लगे कि हमें क्या पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया इसने, वो सच्चाई है कि नहीं, कि नकली रिपोर्ट है। तो ये करके उसे ये सर्टिफिकेट हम दिए जाएंगे उनको। तो इस तरह से ये योजना है। आज का बहुत शॉर्ट इंटरवल था, बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन हुई। कल रात को शायद 9-10 बजे हमने डिसाइड किया कि ऑनलाइन भी कर लेना है। जिन कुमार जी ने बोला कि सब लोगों की इच्छा हो रही है तो कर लें। हम तो सोच रहे थे हम आपस में मीटिंग कर लेंगे, मतलब अपने स्मारक के लोग हैं तो कम से कम इतने लोगों को तो मैं साथ में कॉन्फ्रेंस में ले लूँ अपने, ताकि वहाँ पे जाके क्योंकि जितने लोग हमारे साथ होंगे उतने जल्दी फैलेगी चीज़, और जितनी एक्यूरेसी इसमें आएगी, जितनी एक्यूरेसी हम ला पाएंगे उतना रिजल्ट हमारे पास में अच्छा आएगा और जल्दी आएगा और परमानेंट आएगा। तो और दूसरी बात ये भी है कि यदि ये सिस्टम फेल हो गया एक दो बार तो मौका भी निकल जाएगा अपने हाथ से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भी बदलाव नहीं चाहते, नहीं बदले, तो वो भी तकलीफ हो सकती है। तो सफलता बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग साथ देंगे तो सफल हम गारंटी से होंगे, इसकी मेरी गारंटी। और यदि किसी ने साथ नहीं दिया तो जय श्री राम। थोड़ा सा मेरा ध्यान इस तरफ जा रहा था
कि बच्चों के लिए तो तीन तीन तरह के सर्टिफिकेट्स की बात अपन कर रहे हैं, 18 दिन का और फिर 8 क्लास और 50 क्लास का। हमारे जो इसमें अध्यापक वर्ग है जो जाकर के पढ़ा रहे हैं, तो ये सभी लोग जो है काफी बड़ी बड़ी क्लासेस लेते हैं और एज़ प्रवचनकार के रूप में काम करते हैं, तो कहीं प्रैक्टिकल रूप से ये कहीं बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, 8-8 क्लास 10-10 क्लास इनको भी यदि दी जाए कहीं, भले वो आपने जैसा कहा घर में बच्चों को पढ़ाए और उनके कोई एक का दो वीडियो बना करके भेजे जाए, क्योंकि एक्चुअली वो हमारी भी तो प्रैक्टिस होना चाहिए ना, तब तो जाकर के हम उनको और ज्यादा अच्छे तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे और जो प्रशिक्षणार्थी 18 दिन को भी आए उनको जो है हम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि हमें तो प्रवचन की शैली में बात करने की आदत पड़ गई है। तो थोड़ा यदि विचार लगे तो मैंने अपना विचार रखा है, क्योंकि हम लोग जो है छोटी मोटी क्लासे बच्चों की क्लासों को नहीं ले पा रहे हैं, जितने भी लोग जाकर के जो प्रशिक्षणार्थियों की क्लासे लेते हैं वो सब जो है अब प्रवचनकार के रूप में ही प्रतिष्ठित हो गए हैं और बड़े लोगों के बीच में ही काम करते हैं, बच्चों के काम करने के अवसर अब उनको नहीं मिलते हैं, या ये समझ लो वो उसमें आगे बढ़ जाने से नहीं करते हैं, और जो हमारे छोटे नवोदित साथी हैं जो नए शास्त्री होकर के आ रहे हैं उनको वो जवाबदारी दे देते हैं, जैसे हम जनता कॉलोनी में भी ऐसे करते हैं और करने भी जा रहे हैं, यहाँ पे जो शास्त्री रह रहे हैं हम उनसे कहने वाले हैं कि भाई अब जो छुट्टी आ रही है उसमें आप क्लास लेना, तो यदि कुछ लगे तो उनके लिए भी करेंगे तो और अच्छा आउटपुट आने की दिशा में अपन बात कर सकते हैं। जय जिने राजेश जी, फिर उन्हें भी छात्र अध्यापक बनकर के पहले प्रशिक्षण में बैठना पड़ेगा, पहले अठारह दिन का सर्टिफिकेट लेवे, फिर वह वो तो आपके पास है ही बराबर है, वो अध्यापकों के लिए अलग तरीके से अपन विचार करेंगे और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके भी अप्रिसिएट करने का विचार तो है ही, वो तो चलेगा ही। हाँ जी, अभी नई पद्धति वास्तव में नई नहीं है, जो अपना बोर्ड कार्य से लेकर के समापन तक जो विधि है सोपान है, सोपान तो वे के वे ही है, लेकिन उन सोपानों को किस तरीके से प्रस्तुत करना, तीन बातें मुख्य रूप से इसमें हैं। चूँकि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक ही सक्रिय रहता है, लेकिन वह सक्रियता इतनी हो गई कि छात्र बिल्कुल निष्क्रिय हो गए और सामान्य प्रवचन के श्रोता जैसे रह गए, उसकी जगह अब छात्रों को अधिक सक्रिय रखना है। हमें ऐसा लग सकता है कि जब छात्र ही अधिक बोलने वाले हैं तो फिर अध्यापक का रोल क्या रहा, या फिर अध्यापक को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ छात्रों से ही बुलवाना है, लेकिन अब अध्यापक की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई, विशेष बढ़ गई, इस दृष्टि से बड़ी कि एक तो छात्रों को सक्रिय करना है, दूसरा अभी तो हम जो कुछ भी बोलते थे सुनाते थे ये मान करके कि भी छात्र जानते नहीं जानते हैं और हमने उनको बता दिया, जानते हैं वो भी बता दिया, कदाचित जो विशेष बात नहीं जानते थे वो बता दिया, लेकिन जब हमने छात्रों से पूछा और छात्रों ने ही सारे हमारे पॉइंट बता दिए तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब हमें और विशेष छात्रों से अधिक सोचना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा। उन्होंने ये पॉइंट बता दिए तो कुछ ज़बरदस्ती पॉइंट नए निकालने की बात नहीं है, कोई विशेष बात रह गई है या जो बात कही गई उसमें से कुछ बात रह गई है उसको और विशेष विश्लेषण करने की बात है, तो हमें उस दृष्टि से कक्षा में और अधिक सक्रिय रहने की ज़रूरत है, विशेष और हमें स्वयं सोचने की ज़रूरत है। तो एक तो छात्रों को सक्रिय करने की बात है और दूसरा व्याख्या या विचार विश्लेषण वाला जो बिंदु है उसमें दो बातों की तरफ विशेष, हम अकेला पारिभाषिक जैसे विश्लेषण करते थे वो विश्लेषण होता था, लेकिन उसको जो दो पॉइंट और बढ़ाए गए भाव भाषण परक, कि वास्तव में उसको भाव भाषित हुआ कि नहीं हुआ, और ये तो कभी कभी हम प्रश्न ऐसे जो उलझाने वाले हैं ऐसे पूछ करके उसका उत्तर सही देता है कि नहीं देता ये समझ लेते थे, यानी उसे और भावभाषण पर एक विशेष जोर देते हुए, और जब उसे हमने विचार विश्लेषण में भावभाषण पर एक जोड़ लिया और उसके साथ दूसरा बिंदु जीवन उपयोगी,
भी इसका हम जीवन में किस तरह से उपयोग करेंगे, ये दो बातें विशेष तौर पर जिसमें हमें ध्यान देने की है और छात्रों तक इस बात को पहुंचाने की है। जब हमने विचार विश्लेषण में जोड़ा है तो उसी तरह बोधगम्य प्रश्नोत्तर में भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में भी ये आएंगे। बोधगम प्रश्नोत्तर में भी वे भाववासन परक प्रश्न भी होंगे और आपके जीवनोपयोगी भी होंगे। ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करेंगे तो वहाँ भी भाववासन परक और जीवनोपयोगी होंगे। फिर हम समापन करेंगे, पूर्व पाठ करेंगे, उनमें भी वो सब बराबर लागू रहेगा। वो इस तरह से जो मेथड है, प्रक्रिया वही की वही है। इसमें जो अधिकतम इसका उपयोग हो सके इसके लिए जो परिवर्तन किया है इस पर ध्यान देने की है। तो आप एक बार थ्रू आउट इसमें से पढ़ लेंगे, आप अध्यापक है, प्रक्रिया आपको मालूम है, इसलिए आपको कठिन नहीं लगेगी, पूरी बात आपको सहज समझ में आ जाएगी। एक चीज़ तो ये है कि जैसे हमें क्लास में विद्यार्थियों को बोलना है कि पढ़ करके आना है, वैसे ही इस एक महीने में हमें पूरी प्रशिक्षण निर्देश का पढ़ करके आना है, क्योंकि उसी से फिर पूरा चीज़ हमें ख्याल आ जाएगी। और हम इतने सीनियर हैं, इतने सालों से हमें पढ़ाने का अनुभव है, तो वो चीज़ तो हमें ख्याल आ ही जाएगी बहुत अच्छी तरह से, जो ये बताए चेंजेस का। दूसरा एक सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैन एजुकेशन के लिए जो एक मुद्दा है, वो हमने इसमें बालबोध के उसमें पहले में ऐड किया है, अभी उद्देश्य में ऐड किया है। वो ये है कि पूरे दुनिया के सारे दर्शन और विज्ञान, वो उनसे जैन दर्शन क्यों एकदम अलग है, वो है वस्तु स्वातंत्र अकर्तावाद का मूल सिद्धांत है, और उसके रिफ्लेक्शन में क्रमबद्ध पर्याय निमित्तोपादान और बाकी सारे सिद्धांत साथ में उसके आते हैं, कि दुनिया सारी की सारी कर्तावाद को मानती है और भगवान करता है ये मानती है, और जबकि जैन दर्शन मानता है अकर्तत्व को, और जो भी करते हैं हम अपना करते हैं उसमें भी स्वयंकर्तत्व अकर्तत्व बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं। तो लेकिन होता क्या है कि जब हम एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन बहुत बड़ा मनोविज्ञान का काम है, दादा ने लिखा है इसके प्रशिक्षण निर्देश काम है, जागरूक मननशील मनोवैज्ञानिक होना चाहिए टीचर को। तो जागरूकता के पॉइंट भी हमने इसमें लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ना, और मनोविज्ञान के पॉइंट लिखे हुए हैं। तो मनोविज्ञान में सबसे बड़ी बात क्या है कि एक चीज़ जो हम बार बार क्लियर कट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसे रिपीट करो, आप रिपीट करते हैं तो वो लोगों तक अंदर घुस जाती है। यदि आप बोलो ठंडा है ना कोका कोला, यदि इसे 1000 बार बोला तो धीरे धीरे लोगों का मतलब ठंडा है ना कोका कोला, ठंडा पीना है वो क्या पीना, कोका कोला लाओ, कौन सी थम्सअप कोका कोला ले आओ, आप समझे ना, तो ठंडा यानी कोका कोला। तो अब है क्या कि पूरी दुनिया में कर्तावाद चल रहा है, हमारे पास उदाहरण भी वही हैं, अब हमें मेहनत करनी नहीं है, खुद को मेहनत करनी नहीं है, तो हम क्या करते हैं सारे उदाहरण कहीं कोई उधर से उठा लेता है, और वो अपने धर्म के सिद्धांतों में चेप करके और देना चाहता है, या उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करना चाहते हैं हम पूरी तरह से। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ज्ञान में या अज्ञान में हम उपदेश देते हैं अकर्तावाद का और क्रियाएं करते हैं कर्तावाद की सारी की सारी, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है उसको रिफ्लेक्ट करती हुई सारी क्रियाएं वैसी होती हैं। तो उससे क्या होता है कि अंत में वो सिद्धांत सिद्धांत ही बन के रह जाता है, लेकिन ये अकर्तावाद के साथ में भी जीवन जिया जा सकता है, सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है, अकर्तावाद की मान्यता होते हुए भी चक्रवर्ती बना जा सकता है। ये बात ख्याल में नहीं आती लोग, इसलिए हमें जहाँ भी अप्रोप्रिएट जगह, जहाँ भी फिट होता हो उस जगह, सब जगह पर इस चीज़ को ऐड करना है। और ये हमारा आज से 2000 साल से शुरू से चला आ रहा है,
कि हम व्यक्ति की नहीं गुणों की प्रशंसा करते हैं। मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान मंगलम भगवान वीरो मंगलम, मतलब वहाँ पे सब जगह पर जहाँ भी देखो आप जो भी मंगलाचरण हैं उनमें सब में हमने गुणों की प्रधानता है। नमो हरिंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम, कहाँ व्यक्ति का किसी का नाम है, तो वो नहीं है। तो वो सारी वहाँ पर इंडिकेशन है सब जगह पर, लेकिन हम जब एग्जाम्पल देंगे तो कर्तावाद वाले देंगे, हम अपनी घटनाओं का विवेचन करेंगे तो वो उसमें कर्तृत्व का पोषण होता हो ऐसी होती है। तो हमने इसमें ये डाला है कि हमारा उद्देश्य अकर्तावाद का पुष्ट करने का होना चाहिए, और लोग उदाहरण भी वैसे ही सेलेक्ट करो, गेम्स भी वैसे ही सेलेक्ट करो, एग्जाम्पल्स जो भी बनाने हो कथा कहानी वट एवर जो भी करना है वो सब आपको अकर्तावाद को पोषण करते हुए होनी चाहिए, उस एंगल से होनी चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ पहुँचानी है लोगों तक कि आप इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, और एक आपको अपना कल्याण खुद को ही करना होगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है उस तक पहुँचाने के लिए बार बार उसी को उसका आना चाहिए रेफरेंस। द्रवगुण पर्याय पाठ पढ़ाओ आप, कषाय पढ़ाओ, पाप पढ़ाओ, नमोकार मंत्र पढ़ाओ, वहाँ भी ला सकते हो आप अकर्तावाद को कि भगवान कौन थे कि अकर्तावादी थे, कर्ता नहीं तो खुद का कल्याण खुद ने किया। आप कई तरह से और दूसरे बहुत सारे तरीके आ सकता है, तो हर जगह पे वहाँ पे हमको वो चीज़ लेके आनी चाहिए, बतानी चाहिए, और उसका फोकस हमारा उस ओर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाता है। लोगों तक अभी आप पूछो तो लोगों को लोग बता ही नहीं सकते कुछ भी, क्या फ़र्क है जैन दर्शन दूसरे धर्म में, तो दो शब्दों में बोलना हो तो आप अकर्तावाद बोल दो ऐसे, तो लेकिन आप देखना तो कोई भी नहीं बता पाएगा क्या फ़र्क है। नहीं ये फ़र्क है, हमारे यहाँ रिचुअल्स आप गिनाओगे, हमारे यहाँ पे भगवान नंगे होते हैं, हमारे मुनि महाराज नंगे होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, हम दूसरे लोगों के ऐसे होते हैं, लेकिन वो थोड़ी फ़र्क है, वो तो रिफ्लेक्शन है उसका, जो फ़र्क है उसका रिफ्लेक्शन है, उसका परिणाम है, उसकी घटनाएँ हैं, एक्चुअल कारण क्या है, एक्चुअल डिफरेंस जो है कर्तृत्व अकर्तृत्व का सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो ये चीज़ हमें हर जगह पूरी एजुकेशन शुरू से लेकर अंत तक ऐड करनी चाहिए, हर पाठ के साथ जहाँ भी ऐड हो सकती हो, जहाँ भी जिस रेफरेंस में आप इसे ला सकते हो हमें लानी है, ये बात को एलोबरेट करना है अपने जो प्रशिक्षण लेने वाले स्टूडेंट हैं उनको। अब तक जो शिक्षा का स्टाइल चला आ रहा है उसमें ऐसा होता है कि एक विषय को परिभाषाओं को बच्चों को हटा दिया जाता है, परीक्षा में उनसे पूछा जाता कि द्रव्य किसे कहते हैं, और वो लिख देता छह द्रव्य गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, और वो उसे 100% मार्क्स मिल जाते हैं, परंतु वो गुण क्या होते हैं और समुदाय कैसा होता है उसकी उसे समझ नहीं होती है। अगर बच्चों को पढ़ाया जाए हाथी कैसा होता है, चूहा कैसा होता है, तो बताएंगे हाथी काला होता है, चूहा काला होता है, उसके भी चार पैर होते हैं, इसके भी चार पैर होते हैं, दो कान होते हैं, दो आँखें होती हैं, एक एक पूँछ होती है, हाथी और चूहे में क्या अंतर है, हाथी 500 किलो का होता है और चूहा 500 ग्राम का होता है। बच्चे ने रट लिया, परीक्षा में सवाल आएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो वो लिख देगा कि हाथी 500 किलो का होता है, चूहा 500 ग्राम का होता है, ये अंतर है, परंतु सचमुच ना उसने हाथी को जाना और ना चूहे को जाना। उससे पूछें कि यदि चूहे के ऊपर हाथी चढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो या तो जवाब नहीं दे पाएगा, और जवाब दिया मान लो उसने जवाब दिया कि चूहा मर जाएगा, तो हाथी के ऊपर चूहा चढ़ेगा तो क्या होगा, तो सोचो पड़ जाएगा, जब चूहे के ऊपर हाथी चढ़ा तो चूहा मर गया, तो हाथी के ऊपर चूहा चढ़ेगा तो हाथी मर जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि हाथी का मतलब क्या, क्योंकि उसे वो 500 किलो का और 500 ग्राम का फर्क भी पता नहीं है। तो अब हमने पढ़ा तो दिया, उसे 100% मार्क्स भी मिल गए, परंतु उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। ये वर्तमान मतलब
निकट भूतकाल की जो शिक्षा प्रणाली थी उसका ये दोष था। अब हमें उन्हें रटाना नहीं है, भाव भाषण कराना है। और ये अब टीचिंग नहीं है, कोचिंग, कोचिंग की स्टाइल। कोचिंग और टीचिंग में क्या अंतर है? टीचिंग में टीचर पढ़ाता है अत्यंत सक्रिय रह करके, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हाथ बांध करके बैठे रहते हैं, कोई मोबाइल देखता रहता है, कोई चुपके से अपना टिफिन में से निकाल करके नाश्ता करता रहता है इसमें। और कोचिंग में क्या होता है, कोच तो सिर्फ निर्देश देता है और सारी मेहनत स्टूडेंट्स करते हैं, खिलाड़ी करते हैं। क्रिकेट की कोचिंग चल रही हो तो कौन करता है? और कोचिंग इफेक्टिव क्यों होती है? क्योंकि जो व्यक्ति बैटिंग कर रहा है और वो इन स्विंग गेंद आ रही है उससे नहीं खेला जा रहा है, तो अब उसे कठिनाई महसूस हो रही है, इन स्विंगर को कैसे खेलूं। जब सवाल उसकी तरफ से पैदा हुआ, बर्निंग डिजायर्स की पैदा हुई ये जानने की कि इन स्विंगर को कैसे खेला जाए, तब कोच बताता कि इसको ऐसे खेल, आगे बढ़ करके फुल टॉस बना करके खेल ले। तो जो उसके सवाल पैदा हुआ था उसका जवाब मिला, वो सीख जाएगा। तो अब हमें कोचिंग करनी है। जब वो बच्चा जो पाठ आज पढ़ाया जाना है वो घर से पढ़ करके आए, कुछ बातें उसे समझ में आ जाएंगी और कहीं वो अटक जाएगा, सवाल उसके मन में पैदा होगा, तब वो आकर क्लास में पूछेगा कि इसका क्या। और जब उसका जवाब मिलेगा वो खचित हो जाएगा, क्योंकि उसके पास खाली जगह है जहां उस जवाब को खचित होना है। आप जवाब देंगे वहां खचित हो जाएगा, इफेक्टिव होगा। अभी वो बैठा है, घूम रहा है, सो रहा है, आप बता रहे हैं कोई भी बात, इन स्विंगर को कैसे खेलें आप बता रहे हो, ना तो उसे ये पता इन स्विंगर क्या है, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना, अपने पास बैट है ना, बॉल कैसी भी आए अपने को तो खेलने से मतलब है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं समझ में आएगा उसको इस बात का महत्व। तो और उसमें जैसा ये राजेश जी बोल रहे थे ना कि टीचर्स को भी फिर पहले ऐसी क्लास लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो कोच है ना, खिलाड़ियों को सिखा तो सकता है पर वो खुद मैदान में आके खेल नहीं सकता, वो कोच उपदेश देने के लिए बिना मैदान में खेलने की लायकत, आज भूतकाल में खेलता रहा होगा, हम भी खेलते रहे, आज हमारी लायकत नहीं मैदान में आके खेलने की, फिर भी हम कोचिंग करने के लिए अधिकारी हैं। तो ये अत्यंत संक्षिप्त, ज़्यादा भी बोलने की पोजीशन नहीं है। हमारे ये जो प्रशिक्षण की प्रणाली हो रही है इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो प्रैक्टिकल होने जा रही है, और इसमें सबके पास बहुत फ्लेक्स, हालांकि जब आप प्रशिक्षण का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें सब सोपानों का भी वर्णन करेंगे, जब प्रैक्टिकल क्लास में पढ़ाएंगे सोपान को भी फॉलो करेंगे, परंतु जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको अनंत स्वतंत्रता है। एकमात्र उद्देश्य है कि लोग बच्चों को, विद्यार्थियों को भाव भाषण होना चाहिए, कैसे होगा, किस विधि से होगा, उसकी चॉइस शिक्षक के पास में है, वो उसका चुनाव करेगा। आज भी 10 लोग प्रवचन करते हैं, अपनी अपनी शैली में करते हैं, किसी की बात लोगों को समझ में ही नहीं आती, किसी की बात अंदर उतर जाती है, किसी के प्रवचन में 1 घंटा काटना मुश्किल होता है, किसी के में 1 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं लगता है। तो ये उनकी जो प्रणाली में अंतर है उस पर निर्भर करता है। तो हम ये ट्रेनिंग लेंगे तो हमारी शिक्षण की प्रणाली उस स्तर को छुएगी जहाँ पर हर विद्यार्थी को क्लास अटेंड करने पर कुछ ना कुछ मिलेगा, और समय काटना उसके लिए, क्लास का 1 घंटा काटना बोझा नहीं होगा, ऐसा हमारा ये सिस्टम है। हम इसका विकास कर रहे हैं, विकास करेंगे और हम निश्चित सफल होंगे, क्योंकि हम सभी प्रोग्रेसिव हैं और हम नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना करने के लिए आतुर हैं, इसलिए हम सफल होंगे, इस बात पर कोई दो राय नहीं।
और इस तरह आज यह सेमिनार जिसमें पुस्तकों पर जो नई बातें आई और अध्यापन में हमें क्या क्या विशेष बातों को शामिल करना, इस पर जो विवेचन हमने किया, यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। समस्त अध्यापकगण, हमारे सभी को हार्दिक हार्दिक आभार। अगले क्रम में ऑनलाइन ही यह सेमिनार और एक बार संपन्न होगा, उसकी सूचना ग्रुप पर आपको दी जाएगी। तब तक PDF जो आपको उपलब्ध कराई गई है पुस्तक, उसमें से अध्ययन करके कुछ नवीन प्रमेय आपको समझ में आए तो आप भी इस बात को नोट करें। अगली मीटिंग में और विस्तार से इस पर विचार होगा। अभी यह मीटिंग यहीं पूर्ण होती है। बोलिए महावीर भगवान की जय हो।